सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से या टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 292 रुपए 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक काफी समय से अभी एक रेंज बोर्ड में ट्रेड कर रहेगा, क्योंकि स्टॉक का जो दायरा है वो काफी सीमित दायरे में देखने को मिल रहेगा। नीचे में सपोर्ट लेवल है 288 रुपीज का, ऊपर में रुकावट रेंज है 303 रुपीज पर। इस रेंज बोर्ड को स्टॉक काफी समय से ब्रेक डाउन नहीं कर रहेगा। अब अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजिशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिया से, तो नीचे में अराउंड 288 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखे, ऊपर के टारगेट शॉर्ट टर्म के नजरिए से 303 रुपीज। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 325 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब ही देखने को मिलेगी जब स्टॉक इस रेड कलर की होरिजेंटल यानी 303 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बनाने में सफल होता है। जब तक स्टॉक इस प्राइस से नीचे है स्टॉक एक रेंज बोन में ट्रेड करेगा। नीचे में अगर स्टॉक ने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया तो वहां पर स्टॉक में और ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकती है। इस सिचुएशन में स्टॉक नीचे में 280 रुपीज तक के प्राइस को रीटेस्ट कर सकता है, जहां पर पहले भी स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बना चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।